अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुर्ताज़ा खालिल। आज मैं आपसे केस डिस्कस करूंगा ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है ये क्लोस्ट्रीडियम चौराई की वजह से होती है। ये ग्राम पॉजिटिव पोर्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो कि एनिमल के इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर नॉर्मली पाया जाता है। तो जैसे ही इसको इन्फेक्शन का मौका मिलता है तो ये डिजीज काज कर देता है। ये बीमारी हमें कैटल्स में 6 से 24 माह एज वाले जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा ये बीमारी जानवर को तब होगी जब जानवर क्या टेल लॉकिंग की हो या कोई शेयरिंग कट्स लगाओ या उसको कास्ट्रेशन की हो या फिर उसे कोई इंजरी हो गई हो, तो उस वजह से जानवर को मौका मिल जाता है इसके अंदर आने का। इस बीमारी में जानवर का एरिया जो होगा वो स्वेल कर जाएगा। जैसे कि ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर लिंब का जो एरिया है ये स्वेल कर गया है, इधर क्रेपिटेटिंग साउंड नजर आ रहा है। मीडिया में लोग कहते हैं कि ब्लैक लेग जो होता है वो हाइंड लेग का है, लेकिन मैं जो आपसे केस डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर ये जो ब्लैक लेग डिजीज है ये फोर लिंब में है। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर करने के लिए कि ब्लैक लेग जो है वो सिर्फ हाइंड लेग की डिजीज नहीं है, हाइंड लिंब की डिजीज नहीं है, बल्कि ये फोर लेग को भी हो सकती है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है उनको भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जानवर को पहले बुखार होगा और उसके बाद जानवर का बुखार नॉर्मल हो जाएगा या सब नॉर्मल होगा। जो स्वेलिंग एरिया मैंने आपको दिखाया था वो स्वेलिंग एरिया क्रेपिटेटिंग साउंड आपको सुनाई देंगी वहाँ से। अब ये मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, इलाज में मैंने इसको नैरो बैंड के 3 इंजेक्शन यानी 9 ml IV लगाया। उसके अलावा मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि इस बीमारी के अंदर जानवर की जो सोज वाली एरिया है वो शुरू में गर्म होगी और छोटी होगी और वहाँ पे जानवर को दर्द होगा, मगर उसके बाद वो एरिया बड़ा होता जाएगा और वहाँ वो इनसेंसिटिव हो जाएगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम आएगी। जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको जानवर के वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर का आपको नज़र आएगा और वो जगह बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाती है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में इसकी स्वेल एरिया को दबा दबा के देखा लेकिन जानवर ने रिस्पांस नहीं दिया। इस टाइम जो मेरे पास कंडीशन थी, जानवर का टेम्परेचर 102 था क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है दोबारा, पहले हाई टेम्परेचर होता है 103-104 और उसके थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। यूजली ये बोला जाता है कि केस फर्टैलिटी इसकी 100% है, लेकिन माशाल्लाह ये मेरा केस जिसको मैंने इलाज किया था जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, नैरो वेन इंजेक्शन 3, बेंजाइन पेंसिलिन लगाया और वेलियम लगाया और उसके बाद उसको स्पॉटेड ट्रीटमेंट दी, तो माशाल्लाह ये जानवर पूरे 10 दिन के बाद फुल रिकवर हो गया, अपनी दोनों टांगों पे आ गया। मगर इसमें थोड़ा सा इफेक्ट ये आया कि इसकी जो एक लेग है फोर लिम्ब है वो थोड़ी सी इफेक्ट थी, उसके ऊपर सोज थी, मगर थोड़े दिन बाद वो सोज भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और जानवर बिल्कुल एक्टिव हो गया। बीमारी की शुरू में ये डायग्नोज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि ये ब्लैक लेग है या कोई और लेमनेस है, मगर उस चीज़ को आप क्रेपिटेटिंग साउंड से एक अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस बीमारी में ज़्यादातर क्या होता है, जानवर आपको मरा हुआ पाया जाता है, आपको मिलता नहीं है इलाज करने का टाइम, मगर खुशकिस्मती से अगर आप इलाज कर लें तो जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसको डायग्नोज के लिए आप PCR करते हैं या फिर आप कल्चर टेस्ट करते हैं। उम्मीद है दोस्त मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दोस्त डॉक्टर मुर्ताज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।